मगा तू पिछले साला मगावे लग पा रुखिया सुखिया खाके जैसे कि आप जानते हैं लोहरी व्लॉगर्स उम्मीद करते हैं सब खैर खैर से होंगे। और हनुमान अली को पता चल जाता है कि कैमरा स्टार्ट हो गया, हनुमान अली फौरन जो है ना फौरन से फौरन पीछे हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम हनुमान अली, आप जादू लग रहे हैं, आपको पता है इस बात का? ये आपने मोबाइल का कवर किसका पकड़ा हुआ है? मेरा पकड़ा हुआ है, लाओ मुझे दो, मुझे दो। ये किसके है? और आज हमारे घर में है, आज के नए समाचार ये हैं कि आज हमारे घर में है शादी। और शादी किसकी है वो आप पूरा व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज हमारे घर में किसकी शादी है। और आज हम जाना है शादी पे, और मान अली ने भी जाना है शादी पे, और मामा रदनान गए हुए हैं बाहर काम गए हुए हैं, वो भी शादी के सिलसिले में गए हुए हैं, यानी शादी पे हमने जाना तो तैयारी शादी जाहिर सी बात है घर में हो रही है। और मान अली ने भी जाना है शादी पे। बहू स्टॉप हो गया, चलाते चलाते अभी चलाओ, जल्दी से चलाओ। मान अली आपका मुंह कितना गंदा है, हिचकी लग गई है काके को। यहाँ पे हो गया है जी शादी की तैयारियाँ हो रही है, और मम्मा गई हुई थी बाजार, जैसे मैंने आपको बताया शादी की तैयारी। और शादी किसकी है ये अब आपको पता चलेगा व्लॉग, अगर आप पूरा देखेंगे तो ही पता चलेगा कि शादी किसकी है। हमने क्यों नहीं पहले व्लॉग में बताया कि शादी किसकी आ रही, क्योंकि ये भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज था। आप गैस करें कि किसकी शादी होगी। तैयारियों से आप सबको क्या लग रहा है कि किसकी है शादी? मान लीजिए आपकी शादी है, ये आपकी शादी के लिए लेके आई है उन्हें कपड़े। हाँ जी हाँ जी, ये देखें जी ये सारे आगे मर्दाना सूट, अभी तक ये आगे लेडीज एक सूट अभी कम है जो के देना। और मान ली की आगे है पैंपर भी है बीच में उसके कार्टून बंद हो गए हैं, तो वो कह रहा है मेरा बू लगा दो, मेरे बू। तो मम्मा जी किसकी शादी है? इतनी तैयारियां आपका शादी जो है ना थोड़ा सा करना पड़ेगा, हम तैयार हो गए आपको दिखाएंगे ना किसकी शादी है, वहाँ जाके दिखाएंगे, वहाँ जाके दिखाई हमारे घर में ही शादी है, हमारे घर की अपनी शादी है, पर्सनल शादी है, हमारे घर में ही है, हमारे घर में ही जाना चाहिए पर भी नहीं, मतलब लगा ले हमारे घर में, उन्होंने हमारे घर आना, शादी वालों ने हमारे घर आना है। तो ये सारे सूट हमने जो है ना वो देने हैं, अभी कम में सूट भी इसमें लगेंगे, अभी मिठाई लगेगी, मिठाई भी आनी है, अभी बड़ा कुछ तैयारियां अभी हो रही हैं। और जो है टाइम हो चुका है मेरे ख्याल से 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, इसको अपने कार्टून का बड़ा पता है। ओके, तो व्लॉग के साथ जुड़े रहे, फिर आपको पता चलेगा कि आज शादी किसकी है। चले जी, पापा ने ऑन कैमरा हम सबसे जो है ना वो वादा कर लिया, पापा ने जब सोदे जाना हमारे लिए गड़ियाँ लेके आनी है सारों के लिए, मान अली के लिए भी, मान अली के लिए गड़ियाँ आनी है, मान अली को फुल टाइम नींद आ गई है। और पापा भी रेडी हो चुके हैं, और अब आप गैस करें कि पापा भी रेडी हो गए, और पापा भी उस शादी में जा रहे हैं, तो मतलब वो शादी जो है वो खासम खास होगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो आपकी बेगम चश्मे बदूर ला गई है। पापा आज आपकी बेगम कैसे डाल रही है? ऑन कैमरा मत पूछो, मेरे मेरी तारीफ कर दी कैब ने, अपना ये हजाब कैब जो है मैंने काफी माशाल्लाह 4-5 किलो मंगवा ली है, थोड़े से लोग चेंज करते रहने ढकने वाली छुपने वाली चीज, यानी औरत जितनी जाके अपने आप जब आप जाओगे ना बाहर तो मेरे लिए बुरखा ले आना, फिर मैं वो कर दूँ। ठीक है ठीक है, लेकिन माशाल्लाह मम्मा जी आप बहुत प्यारी लगे, अल्लाह पाक आपको नजरे बद से बचाए, दुआ करें और मुझे अल्लाह मदीना दिखाए, आमीन। उसके उसके लिए हिजाब वगैरह वहाँ से मम्मा के लिए टोपी वाला बुरखा मम्मा एक पापा ने ले गया है। चलें जी, पापा ने बाबू कह दिया आपको हिजाब अच्छा लगता है, तो बाप ने हिजाब लिया
और अब ये यकीनन बात है मम्मा ने हिजाब ही लेना है, पापा भी कहने की जरूरत नहीं थी। पापा ने लिपस्टिक ला के दी मम्मा को और मम्मा इतना अजीब कलर था लेकिन मम्मा ने घसा दी वो लिपस्टिक कई सूट के साथ, लेकिन मम्मा ने जरा पापा का दिल रखने के लिए वो लिपस्टिक की साड़ी, माँ ने लिखा फुल टाइम नींद आ रही। वाजी वाह वाजी वाह, ये पापा की पसंद है जूती। पापा अच्छा मैंने कितनी जूतियां लोगों को दे दी लेकिन ये जूती है जो मैंने मेरे देने को दिल नहीं कर। वाह वाह वाह, चलें जी अब चलते हैं। मैचिंग की है मान अली के साथ मैंने। जी जी जी, और जूती जो इसकी है मान अली की शूज उसके पापा के सूट के साथ मैच। चलें जी, अल्लाह पाक आपको ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। और माशाल्लाह कह दी ना लाजमी सब देखने वाले जो है। और अब चलते हम शादी की तरफ, मिलते हैं आपसे वहाँ जाके, क्योंकि मैंने खाने थे आज मेहंदी का फंक्शन है दाल चावल। देख लेना ऊपर दाल चावल क्या मेहंदी का फंक्शन हमारी छत के ऊपर है, ये सामने खाने की डिश लगी हुई है तो ये खाना भी मौजूद है और हम आपको दिखा देते हैं खाने में क्या क्या है। ये है जी हलीम, हलीम के साथ है ये चावल, तो ये सादा बिरयानी है, तो ये सेटअप लगा हुआ है। ये सामने डीजे और डीजे वाले भैया हैं, वो सामने स्टेज लगा हुआ है। इब्लीस जो कलाम को छीन लेता है यीशु के नाम से इस जगह से दूर जाने को हुक्म देते हैं ताकि जब तेरा बंदा कलाम करे तो इनके लिए बाइस निजात हो और खुशी का बाइस बने। कलाम खुदा में से एक हवाला देंगे मदद के लिए, पुकार ज़बूर 70 आज इस घराने के लिए, बाइस सदी के लिए, इस घराने के इत्तेफाक के लिए, मदद के लिए। तो जब हम खुदा के लिए अपने आप को आजिज करते हैं, सदा जी कर है।